नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार की मुस्कान वर्मा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में लेगी हिस्सा। नक्शा बनाकर दो चरणों में होगी जाति गणना। BPSC की 67वीं परीक्षा में हुए कई बड़े बदलाव। 1 अक्टूबर से बदल जाएगा कई ट्रेनों के समय। भारत की बड़ी जीत में सूर्या के नाम हुए कई रिकॉर्ड। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। BPSC परीक्षा को लेकर DM SSP ने की ब्रीफिंग। 30 सितंबर को BPSC 67वीं की PT परीक्षा होगी। इसको लेकर पटना DM चंद्रशेखर सिंह और SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो ने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित ब्रीफिंग में केंद्राधीक्षकों, दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं अन्य पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पटना DM ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 लागू है। यदि कोई उम्मीदवार इस उपबंध का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पटना DM और SSP ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा स्वच्छ, कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराई जाएगी। नवादा में टीचर की विदाई पर फूट फूट कर रोए छात्र। बिहार के नवादा स्थित रामलाल इंटर विद्यालय तारगीर में शिक्षक की विदाई का एक इमोशनल करने वाला वीडियो देखने को मिला है। डॉक्टर विनीता प्रिया बीते दिन बुधवार को जब 12 साल बाद ट्रांसफर लेकर विद्यालय से विदा हो रही थी तो उस समय कुछ देर के लिए मानो सबकी सांसें ठहर सी गई। स्कूली बच्चों को अपने प्रिय शिक्षिका का विद्यालय से जाना खूब खल रहा था। बच्चों के जिद के आगे शिक्षिका भी बेबस दिख रही थी। काफी समझाने और बार बार विद्यालय आने के आश्वासन के बाद बच्चे शांत हुए और शिक्षिका डॉक्टर विनीता प्रिया को भारी मन से जाने दिया। इसके पूर्व विद्यालय परिवार द्वारा डॉक्टर विनीता प्रिया के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। CM नीतीश ने की PHET के कार्यों की समीक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से भूजल स्तर की स्थिति, भूजल स्तर निगरानी, हर घर नल का जल निश्चय योजना की प्रगति एवं 7 निश्चय 2 के तहत जलापूर्ति योजना के दीर्घकालिक अनुरक्षण पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। साथ ही वर्ष 2019 एवं 2022 में पंचायतों के भूजल स्तर का कोटिवार वर्गीकरण, लक्ष्य अवशेष दीर्घकालिक अनुरक्षण अनुदेश के तहत जलापूर्ति योजना से आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता, अनुश्रवण एवं निगरानी के संबंध में विस्तृत रूप से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भूजल स्तर पर विशेष निगरानी रखें। इसके साथ ही हर घर नल के जल का रखरखाव ठीक ढंग से हो, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि लोगों के घरों तक निर्बाध रूप से जलापूर्ति होती रहे। 1 अक्टूबर से बदल जाएगा कई ट्रेनों के समय। इंडिया रेलवेज के पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा 1 अक्टूबर से करीब एक दर्जन बिहार से चलने वाले ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया जाएगा। इसमें पैसेंजर से लेकर एक्सप्रेस ट्रेन तक शामिल है। ऐसे में यात्रियों को सावधान रहने की जरूरत है। बता दें कि करीब 2 जोड़ी ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन भी किया गया है, जबकि एक नई ट्रेन भागलपुर से जयनगर के लिए शुरू की जा रही है। इसकी जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई है। नक्शा बनाकर दो चरणों में होगी जाति गणना। बिहार में जाति आधारित जनगणना नक्शा तैयार कर दो चरणों में कराई जाएगी। इसमें अस्थायी और अतिक्रमित जमीन पर निवास करने वाले लोगों को भी गिनती की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलों को इसका खाका तैयार कर भेज दिया है। पहले चरण में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। इसके तहत गिनती किए जाने वाले क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही मकानों की भी अलग से नंबर जारी किया जाएगा जो कि लाल रंग से लिखा जाएगा। किसी भी गन्ना ब्लॉक या उपगन्ना ब्लॉक की सीमा वार्ड, पंचायत, नगर निकाय के बाहर नहीं होगी। आबादी के आधार पर गिनती के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। पुराने सिक्के के बदले 85 लाख देने का झांसा। बिहार में साइबर अपराधियों की करतूतें थमने का नाम नहीं ले रही है। 23 सितंबर को पटना के शास्त्री नगर थाने में बुजुर्ग ने साइबर अपराध का मामला दर्ज कराया है। पुराने सिक्के के बदले 85 लाख रुपए देने का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने पूर्वी पटेल नगर के रहने वाले 75 वर्षीय वृद्ध सीताराम सिंह के खाते से 1.5 लाख रुपए गायब कर दिए। बुजुर्ग ने बताया कि साइबर अपराधियों ने बसे पहले उनसे पुराने सिक्के के बारे में पूछा और उसकी तस्वीर भेजने को कही। उसके बाद अपराधियों ने रजिस्ट्रेशन करवाने के नाम पर कई किस्तों में पैसे की मांग की। सृजन घोटाले में पूर्व DM के खिलाफ जारी हुआ वारंट।
पटना सीबीआई की विशेष अदालत ने करोड़ों रुपए के सृजन घोटाले मामले में आरोपित भागलपुर के पूर्व डीएम वीरेंद्र प्रसाद यादव की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट सीबीआई के वकील के अनुरोध पर जारी किया गया है। घोटाले के इस मामले में पूर्व डीएम वीरेंद्र प्रसाद यादव पर आरोप है कि महिला सृजन विकास समिति और बैंक के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र करते हुए दो चेक के माध्यम से 22 करोड़ रुपए का भुगतान महिला सृजन विकास समिति को किया गया है। पटना आईआईटी के प्री प्लेसमेंट में 61 छात्रों को ऑफर। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान पटना में सत्र 2022-23 के बीटेक अभ्यर्थियों के प्री प्लेसमेंट ऑफर में 61 छात्रों को प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला है। इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विभाग के एक छात्र को अधिकतम 82.05 लाख रुपए का पैकेज दिया गया है। बता दें कि इस वर्ष प्लेसमेंट ऑफर में 74% एवं औसत पैकेज में 16.70% वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं बीते वर्ष औसत पैकेज 16.70 लाख रुपए था, यह बढ़कर अब 28.50 लाख रुपए हो गया है। छात्रों को यह ऑफर समर इंटर्नशिप के आधार पर 22 मल्टीनेशनल कंपनियों की ओर से दिया गया है। आईआईटी के प्री प्लेसमेंट में शामिल हुए सभी 61 अभ्यर्थी जून 2023 में पास होंगे। बिहार की मुस्कान वर्मा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में लेगी हिस्सा। BCCI की ओर से आयोजित महिला युवा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए नवादा की बेटी मुस्कान वर्मा का चयन बिहार टीम में किया गया है। मुस्कान दाएं हाथ से बल्लेबाजी के अलावा ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करती है। बता दें कि पिछले दिनों बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित चयन ट्रायल एवं 10 दिवसीय कैंप के बाद बिहार टीम की घोषणा हुई थी। बिहार का पहला मैच 1 अक्टूबर को छत्तीसगढ़, 2 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश, 4 अक्टूबर को नागालैंड, 6 अक्टूबर को हैदराबाद और 8 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के खिलाफ खेला जाएगा। बीपीएससी की 67वीं परीक्षा में हुए कई बदलाव। बिहार लोक सेवा आयोग ने बीते 8 मई को हुई 67वीं संयुक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद अब एग्जाम में कई बदलाव किए गए हैं। इस परीक्षा में 50% से कम प्रश्नों के जवाब देने वाले तथा संदिग्ध गतिविधि वाले अभ्यर्थियों के रोल नंबर की सूची अलग से आयोग को संबंधित केंद्र से भेजी जाएगी। इसके साथ ही अगर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड के अतिरिक्त कोई अन्य फोटो पहचान पत्र देते हैं तो उनकी भी रोल नंबर अलग से दर्ज किया जाएगा। बता दें कि प्रश्न पत्र स्टील बॉक्स में भेजा जाएगा। पाकिस्तान से पटना पहुंचा 90 सिख श्रद्धालुओं का जत्था। पाकिस्तान के पेशावर सिंध स्थित ननकाना साहिब से श्री गुरु रामदास सिंह सभा के प्रधान जत्थेदार रहे प्रीतम सिंह के नेतृत्व में 39 श्रद्धालुओं का जत्था बीते दिन बुधवार को तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब में मत्था टेक आशीष लेने पहुंचा। ननकाना साहिब से ही सरदार गुरजी सिंह पेशावर के नेतृत्व में 41 श्रद्धालुओं जत्था भी तख्ता साहिब पहुंचा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जिस नजरिए से देखा जाता है वैसी कोई बात नहीं है, दोनों मुल्क के लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार है। बता दें कि सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के नाम पर पाकिस्तान में ननकाना साहिब है। आरएसएस को बैन कराने की मांग पर गिरिराज सिंह ने किया पलटवार। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उनकी इस मांग पर भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे तो आरएसएस का स्वयंसेवक होने पर गर्व है, क्या लालू यादव खुद को पीएफआई का सदस्य बता सकते हैं? लालू प्रसाद यादव को चुनौती देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, हमें आरएसएस का स्वयंसेवक होने पर गर्व है, क्या लालू यादव कह सकते हैं कि वह पीएफआई के सदस्य हैं? बिहार में उनकी सरकार है, हिम्मत है तो बिहार में आरएसएस को बैन कर दो। आकाश अंबानी को टाइम्स मैगजीन में मिली जगह। 2 महीने पहले ही रिलायंस जियो की चेयरमैन की कमान संभालने वाले मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी के नाम बड़ी उपलब्धि आई है। उन्हें टाइम मैगजीन ने टाइम्स 100 नेक्स्ट लिस्ट में जगह दी है। उन्हें लीडर्स कैटेगरी में चुना गया है। आकाश अंबानी के बारे में टाइम मैगजीन का कहना है कि वे बिजनेस बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने गूगल और फेसबुक के साथ अरबों डॉलर की निवेश डील पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टाइम मैगजीन हर साल टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट प्रकाशित करता है। इस लिस्ट में देश दुनिया के अलावा उद्योग जगत के 100 उभरते सितारों को जगह दी जाती है, जिसमें भारत की तरफ से आकाश अंबानी इकलौते उद्योगपति हैं। भारत की बड़ी जीत में सूर्या के नाम हुए कई रिकॉर्ड। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही 3 मैचों के घरेलू T20 आई सीरीज के पहले मैच में शानदार अर्धशतक लगाकर टीम की जीत दिलाई। साथ ही कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। सूर्य कुमार यादव ने इस कैलेंडर ईयर में यानी साल 2022 में अब तक 700 से ज्यादा रन बना लिए हैं। यह भारतीय बल्लेबाजों में सबसे अधिक है। सूर्य कुमार ने बाएं हाथ के दिग्गज बल्लेबाज शिखर धवन को पीछे छोड़ा है। सूर्य के लगाए गए
सूर्या के उन दो छक्कों से पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड टूट गया। साल 2021 में पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने 26 पारियों में 42 छक्के लगाए थे। सूर्या ने रिजवान से 5 पारियां कम ली। इसके अलावा श्री कुमार यादव ने MRF टायर्स ICC मेंस T20 प्लेयर रैंकिंग में 801 रैंकिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। देश भर में आए 5000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी गुरुवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 4272 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 25 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 12 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 94,044 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 45 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रघुनाथ प्रसाद, राकेश शर्मा, महेश दास, नुन्नु कुमार, कलामुद्दीन अंसारी, अहमद रुश्ती, खुशबू कुमारी, संजय शर्मा, प्रेम शंकर राज, मृत्युंजय कुमार, गुरुचरण मेहता, रवि कुमार राम, कुलदीप कुमार, शंकर मुखिया, पीयूष पटेल, कविता कुमारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार जातिगत जनगणना कराना बिहार के लिए कितना सही होगा? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।